गुड इवनिंग। तो आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से, और अभी बज रहे हैं 4:30 इवनिंग के। आज है संडे और आज 3 मई है। जस्ट मैंने आफ्टर मैं एक अपना व्लॉग एंड किया था और इवनिंग से अपना मैंने दूसरा व्लॉग स्टार्ट भी कर लिया है, क्योंकि उसमें मैंने ज़्यादा रूटीन शेयर नहीं किया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी थी आपके साथ। और आज है एकादशी, तो मतलब ये दूसरी है ना, दूसरी एकादशी है ना अपन को। खाटू श्याम जी नहीं गए हैं हम लोग, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से, तो पता नहीं सब कब ठीक होगा और हम फिर से खाटू श्याम जी जाएंगे, है ना। ये दूसरी एकादशी है, घर में बैठे बैठे निकल रही है, क्या करें। बाबा श्याम जी जल्दी से सब ठीक हो जाए और हमको बुला लो दर्शन के लिए, यही प्रार्थना करते हैं, और सब कुछ ठीक रहे। और बस मैंने कपड़े जो है मॉर्निंग में मशीन लगाई थी, अभी एक बार के धुल गए हैं, आराम आराम से धोती हूँ मैं, और अभी एक बार के और मुझे डाल के आने हैं, सूख तो गए हैं। क्या कर रहे हो? कैसे हैं हम लोग? ग्यारह की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। करो यार फैन, मैंने थोड़ा सा कम कर दिया तो नॉइस आती है, फिर गर्मी भी बहुत पड़ने लगी है। कहाँ है भाई, मेरा हाथ ही नहीं पहुंच पा रहा। हाँ नहीं, ये तो ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। अब नहीं आ जाएगा, गर्मी बहुत ज्यादा होने लग गई है। तो आज हम लोग ना दिन में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, सुबह में बारिश हो गई थी, ये घूमने गए थे और बारिश हो गई थी ना, तो जब मैं उठी थी ना तो पूरे में गीला था, और घूमने गया था, सब बताएंगे डिटेल में। तो ये चल रहा है, अभी मैं जा रही हूँ एक बार और कपड़े देखा हूँ। चाय पीनी है, क्या पीना है आपको, क्या पीना है बताओ। तो बाहर ऊपर चले छत पे। तो अभी सरकार ने 2 हफ्ते का लॉकडाउन फिर बढ़ा दिया है, और लग रहा है हालात को देख करके कि आगे भी बढ़ेगा। आप लोग लॉकडाउन का अच्छे से पालन करें और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और आपको पता ही है कि कैसे सुरक्षा रखना है, घर पर रहना है और सुरक्षित रहना है, क्योंकि जीवन बड़ा कीमती है और इस समय के जो हालात हैं। और देखो, जीवन से मुझे याद आया कि हमारे बीच में मतलब फिल्मी दुनिया के बड़े मशहूर सितारे इरफान खान जी और ऋषि कपूर जी अब हमारे बीच में नहीं रहे, तो फिल्मी जगत के लिए और हम सब के लिए एक बड़ी क्षति है ये, क्योंकि और इरफान खान साहब मुझे तब से याद हैं जब उन्होंने हमारे जो चंबल को उन्होंने फेमस किया था, क्योंकि उन्होंने पान सिंह तोमर जो मूवी थी वो उन्होंने बनाई थी, और तभी से मैं उनको जानता था। और बड़े मैंने फिर बाद में अभी जब उनका सुना, और पहले भी पान सिंह तोमर के बाद बहुत अच्छी एक्टिंग भी करते थे, उनकी सारी मूवी मतलब हिट होती थी दोनों की ही। ऋषि कपूर जी भी बहुत अच्छी एक्टिंग करते थे, बहुत सुपर स्टार थे वो भी, और बहुत ही दुख हुआ सुन करके। स्टार तो होना ही, लेकिन व्यक्ति भी बहुत अच्छे, व्यक्ति भी बहुत अच्छे थे। हाँ तो बाद में बस यही रह जाता है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि उन दोनों की आत्मा को शांति दे। और 2-3 दिन से पता है मुझे ऋषि कपूर जी का एक गाना बहुत याद आ रहा है, मतलब मेरे मुंह पे वही गाना मैं गुनगुनाए जा रही हूँ दिन भर, इनसे भी पूछ लो। और वो मुझे गाना बहुत ज्यादा पसंद है, और वो मूवी मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी उसमें। हाँ इनकी फेवरेट हीरोइन भी थी, और क्या नाम था उनका, दिव्या भारती, बहुत ही सुंदर थी वो, तो आप सबको पता ही होगा बहुत ज्यादा सुंदर थी वो, नहीं है, वो भी नहीं है, उनको भी मैं मिस करता हूँ। हाँ, और उनका जो उस मूवी में जो सॉन्ग था वो ये था, ये बताएंगे आपको अपनी आवाज में, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा,
तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। अच्छा, जब भी हमने इस सॉन्ग को सुना है तो हर किसी की आंखों में आंसू आ जाते होंगे आई होप, क्योंकि ये सॉन्ग ही ऐसा है उनका, और ये मूवी भी बहुत ही अच्छी है। मतलब मुझे कुमार तो, सानू जी ने, जहां तक मुझे याद है, गाना सुकुमार सानू जी ने गाया था। बहुत, मतलब इसको सुनती हूँ तब तो मेरी आंखें भर आती हैं सच में। एकदम तो फील जो होता है ना उस सॉन्ग में झलकता है, तो बहुत दुख है और मूड ऑफ तो है थोड़ा सा, लेकिन देखिए जीवन का जीवन मिस करेंगे हम उनको हमेशा। जितना अच्छा काम है, क्योंकि लोगों जब हमारे जाने के बाद बस हमारी काम रह जाते हैं, कुछ ऐसा करना जिनसे लोग याद करते हैं उन कामों से। वो मतलब अब हम उनको जब जब उनकी मूवी देखेंगे तो उनको याद करेंगे, नहीं भी देखेंगे तो भी उनको याद करेंगे, जब भी कोई उनका सॉन्ग सुनाई देगा कि आपने देखा होगा देश में इस तरह का। पहले की मूवी तो मूवी होती थी, लेकिन अब जो मूवी आती है सच बताऊं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, कुछ आ जाती हैं वो ठीक लगती हैं, लेकिन जो आजकल मूवी बनती है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जो पहले की मूवी होती थी ना वो तो सुपर डुपर हिट होती थी, मुझे तो बहुत पसंद आती थी पुरानी मूवीज। और अभी भी हम लोग अगर देखना पसंद करते हैं, कभी बोर होते हैं तो हम पुरानी मूवी ही देखते हैं, है ना। इनको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। हम लोग इस टाइम की, हाँ, मूवी देखने का इनको शौक है। मुझे मूवी देखने का ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन हाँ जो पहले की मूवी होती थी वो मैं देख लेती हूँ, अभी की तो मैं बिल्कुल नहीं देखती हूँ, मेरा मन ही नहीं करता देखने का। तो चलिए फिर मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ, और मूड जो है थोड़ा सा ऑफ हो गया है, इसको थोड़ा सा माइंड फ्रेश करते हैं कैसे ना कैसे, क्योंकि खुश रहना है हमें इस टाइम में। और चलिए फिर। सो गाइस, मैं बना रही हूँ मैंगो शेक, उसके लिए मैंने दूध निकाला है और ये मैंगो निकाल लिया प्लेट में से। ओहो, दूध छलक गया थोड़ा सा। तो चलिए मैंगो शेक बनाते हैं, और गर्मियों में मैंगो शेक तो सबको ही पसंद होता है ना, और सबके घर में बन भी रहा होगा। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैंगो शेक बनाने में, इसमें ही बना लेती हूँ, या फिर उसमें बनाती हूँ। तो मैंगो शेक वैसे तो सबको ही बनाना आता होगा, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। मैंने यहाँ पे एक मैंगो लिया है, 2 से 2.5 गिलास इसमें अच्छे से बन जाएगा। और इसको मैंने अच्छे से धो लिया था, और इसके जो छिलके हैं उसको निकाल दिया है, चाहे चाकू से निकाल लें या फिर जो जिससे हम आलू को छीलते हैं ना उससे भी निकाल सकते हो। तो मैंने आलू छीलने वाली से निकाला है, क्योंकि उससे पतला छिलका निकलता है और हमको आम जो है वो अच्छे से मिल जाता है। तो मैंने बस मिक्सर जार में डाल दिया उसका पल्प निकाल के, और गुठली मैंने फेंक दी है। उसके बाद इसमें मैंने चीनी डाल दी है, और अभी मैं इसको सिर्फ चीनी के साथ में चलाऊंगी। अगर हम अभी दूध इसमें ऐड कर देंगे ना तो इसमें ना आम के हल्के हल्के से चंक्स रह जाते हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते हैं। तो दूध अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अच्छे से पल्प इसका बन के तैयार हो गया था, और थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड कर दिया है। और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो ये हमारा मैंगो शेक बन के तैयार हो गया है। आप इसमें आइसक्रीम भी डाल सकते हो। तो यहाँ ले लिया है मैंने 2 ग्लास, उसमें डालूंगी आइस क्यूब्स, क्योंकि थोड़ा सा चिल्ड पीने का मन है। और इसके बाद जो हमने मैंगो शेक बनाया है वो डाल देंगे। तो मैंगो शेक ना समर में सबका ही फेवरेट होता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, इनको भी बहुत पसंद है। तो अभी सीजन का पहला मैंगो शेक हमने बनाया है, और बस इसको मैं सर्व कर लेती हूँ ग्लास में। तो ऊपर से भी आप इस पे आइसक्रीम डाल सकते हो, और मैं तो यहाँ पे डाल रही हूँ बारीक कटे हुए बादाम, थोड़े से डाल रही हूँ पिस्ते, जिससे देखने में भी अच्छा लगेगा, और कोई गेस्ट आ जाए ना तो सर्व करने में बहुत मज़ा आता है इस तरह से। तो चलिए फिर एंजॉय करते हैं। हे गाइस, आपके लिए है ये मैंगो शेक। से सब
मैंगो का नाम सुनते ही ना मुंह में पानी आ जाता है। और इस सीजन के ये हमारे फर्स्ट मैंगो हैं, है ना। ये जो उस दिन लेके आए थे ना, मैंने आपको दिखाया था, तो बस उसी दिन से रखे हुए थे। और आज मैंगो शेक बनाया है, तो अपना चाय से ज़्यादा यही चीज़ है ज़्यादा खाने पीने में अच्छी लगती है, ठंडी ठंडी। और चाय पहले मैंने पूछा, इन्होंने मना कर दिया, तो फिर मैंने मैंगो शेक बना लिया। ऊपर थोड़े से बादाम डाले हैं, पिस्ते डाले हैं। सभी का फेवरेट होता है मैंगो शेक, पूछने वाली कोई बात नहीं है, बताएगा सबका फेवरेट है ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मैंगो, ऑल टाइम फेवरेट। ये देखो यहाँ ये भी इंजॉय कर रहे हैं मोबाइल के साथ, मेरे साथ नहीं है, मोबाइल के साथ इंजॉय कर रहे हैं। ये देखो ऐसे कि मैंने इसमें ले लिया बादल, देखो बादल। क्या बोल रहे हैं? तो ऊपर ना बहुत अच्छी हवा चल रही थी थोड़ी देर के लिए, मेरा मन कर रहा था कि मैं रस्सी कूदूं, लेकिन मेरे पास रस्सी नहीं है, आप देख सकते हैं मेरे हाथों में। लेकिन फिर भी मैं काउंट करके इस तरह से 20 या 30 टाइम इस तरह से मैं कूदी थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस टाइम पे, क्योंकि बहुत अच्छी हवा चल रही थी ऊपर। आप लोग सोच रहे हो कि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। तो मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर चली गई थी घूमने के लिए, और भगवान जी की आरती मैंने कर दी है, डिनर की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो एक्चुअल में क्या है, मेरे पास ना एनिवर्सरी वाले दिन का, आपको पहले यहाँ बैठा देती हूँ मैं। तो मेरे पास ना एनिवर्सरी वाले दिन ना थोड़ा सा पनीर बचा हुआ था, तो मैंने अभी फ्रिज से निकाल के इस तरह से देखो कटा हुआ रख दिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था क्वांटिटी, तो मैंने सोचा कि चलो उठा के रख देते हैं, किसी और दिन बना लेंगे। तो मैं बना रही हूँ मटर पनीर, उसके लिए मैंने पनीर निकाल लिया है, और ये मेरी फ्रोजन मटर है जो कि मेरे फ्रिज में थी। और सच में मैंने ना बहुत कम जो है मटर को स्टोर कर पाया था, वो ख़त्म होने पे आ गई है, मैं मिस कर रही हूँ मटर को। कोई नहीं, फ्रोजन मटर मार्केट से मंगवा लेंगे। तो ये जो पनीर है देखिए ट्रायंगल शेप में कटा हुआ रखा है, काट लिया था मैंने, फिर मुझे ज़्यादा लगा तो मैंने उठा के रख दिया था। तो अभी फ्रिज से निकालने के बाद ये ना बहुत ज़्यादा वैसा हो गया था, मतलब सूखा सूखा सा हो गया था, इसका जो मॉइस्चर है पूरी तरह से खत्म होने लग गया था। तो मैंने क्या किया, पानी को गुनगुना किया, उसमें नमक डाला आधी चम्मच, और ये पनीर मैंने उसमें डिप करके 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और ये देखिए फिर से वही सॉफ्ट पनीर हो गया है, ये देखिए बहुत सॉफ्ट हो गया है। तो मैं बना रही हूँ मटर पनीर, और उसके लिए मैंने यहाँ पे चॉपिंग कर ली है, एक प्याज एक टमाटर, टमाटर मैंने कम क्वांटिटी में लिए हैं, केचप डाल दूंगी क्योंकि टमाटर 4 या 5 ही बचे हैं, और अभी सब्जी लेने कोई नहीं जा रहा है। और 3 मैंने लहसुन की कली ली है, इनको छील लिया है, और ये 1 मैंने हरी मिर्च ली है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, और इसमें डाल देते हैं ऑयल। तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सा ही ऑयल डाला है अभी, क्योंकि मैं इसमें पनीर को फ्राई करने वाली हूँ। पनीर मैं बनाती हूँ तो थोड़ा सा मटर पनीर बनाती हूँ, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा पनीर को फ्राई कर लेती हूँ। तो उसी कढ़ाई में थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी सब्जी बनाएंगे। तो मैंने हल्का सा जो उसको गोल्डन ब्राउन, बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। तो ये देखिए पहले इसको हल्का सा चला देते हैं, मैंने इसलिए ढक दिया था क्योंकि ना जैसे ही मैंने इसमें पनीर डाला ना, तो पूरी गैस पे ना छींटे आने लग जाते हैं, फिर मुझे डबल काम करना पड़ता है उसको साफ़ करो, ऑयली ऑयली हो जाती है पूरी गैस। तो पहले थोड़ा सा ढक दिया था उसको, और ये फ्राई हो गया है, इसको निकाल लेते हैं। ऑयल मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो मैं ऑयल इसमें से निकाल लूँगी अभी, तो क्योंकि इसमें मुझे प्याज टमाटर भूनने हैं। तो मैंने ऑयल निकाल दिया, इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, और 2 डालूंगी हरी इलायची, एक गरम मसाले का पत्ता, और 1 से 2 डालूंगी लौंग, और थोड़ी सी काली मिर्ची डाली है मैंने। इसमें मैंने 1 प्याज डाल दी है,
और 2 से 3 है लहसुन की कलियाँ, तो इनको हल्का सा पहले भून लेंगे और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर और नमक डाल के मैं इसको सॉफ्ट होने तक पका लूँगी। उसके बाद इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसकी एक प्यूरी बना के तैयार कर लेंगे। तो प्यूरी मैंने बना ली है, इसमें वापस से डाल रहे हैं ऑयल जो हमने अभी निकाला था, बस इतना ही ऑयल डालूँगी मैं। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा घी भी डाल दिया है मैंने थोड़ा सा इसमें, मुझे याद नहीं था। और आप चाहे तो इसे घी में बना सकते हो, बटर में बना सकते हो या फिर ऑयल में भी बना सकते हो। मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया था, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दी है जिससे अच्छा कलर आ जाएगा सब्ज़ी का। और जो हमने प्यूरी बना के तैयार की थी वो मैंने डाल दी है। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और मसाले को पहले अच्छे से भून लेंगे। तो ये जार को धोकर भी मैंने डाल दिया है क्योंकि इसमें बहुत सारा लगा हुआ था। और इसमें अब मैं कुछ मसाले डालूँगी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डाली है मैंने और थोड़ा सा डाल रही हूँ धनिया पाउडर। सभी मसालों को अच्छे से करेंगे मिक्स और मसालों को अच्छे से भूनेंगे पहले। जितना अच्छा मसाला भुनता है उतनी अच्छी ही सब्जी बन के तैयार होती है। तो ये सॉस की बॉटल है जो कि ख़त्म हो गई थी, तो इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के धो करके डाल दिया है। और इसमें एक आधी चम्मच ही डाला होगा मैंने केचप, टोमेटो केचप डाला है क्योंकि मैंने इसमें वो पानी भी डाल दिया था ना सॉस की बॉटल को धो करके। और बस सभी चीज़ों को अच्छे से पका लिया है। इसमें मैंने एक हरी मिर्च डाल दी है और इसमें मटर डाल देंगे। तो मटर तो मेरी फ्रोज़न है इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं पकानी पड़ेगी, ऑलरेडी पकी हुई है ये। और इसमें मैं डालूँगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसमें थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी डाल दूँगी। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से पकाती गई थी बीच बीच में। गाइस अभी नहीं तूफान आया है, तूफान यहाँ देखो तो, माय गॉड पता नहीं क्या है, पक्षी खेलने के मूड में है प्रभु जी। मैंने सारे पिन देखो ऐसे फेंक दिया क्योंकि ना सारे कपड़े एकदम से मुझे लगे कि उड़ गए, पिन से भी रह नहीं रहे थे कपड़े। इतनी खतरनाक आंधी आई है, इतनी धूल मिट्टी वाली आंधी आई है, देखो धूल ही धूल है। मैं अंदर जा रही हूँ, बहुत खतरनाक वाली आंधी आई भाई, बहुत धूल है। मैंने पूरी बालकनी अभी साफ की थी क्योंकि कपड़े धुले थे ना। ओह माय गॉड, ये ऊपर छत पर चले गए थे कमल भैया के साथ और मेरी ऐसी तैसी हो गई बिल्कुल कपड़े उठाने में। पता है आपको क्या? कपड़े देखो, ये विंडो बंद है फिर भी हिली जा रही है। मैं सब्जी बना रही थी, मेरे पूरे धुले हुए कपड़े बच गए, मतलब सच बता रही हूँ कपड़े उड़ जाते। और यहाँ मेरा मसाला जल जाता थोड़ी देर में, तो मैंने पनीर डाल दिया इसमें और मैं इसमें पानी डाल दी। देखो तो ये खिड़की कितनी हिली जा रही है, आंधी नहीं है तूफान आया है बहुत तेज। तो मैंने पनीर डाल दिया था और हल्की सी मैंने इसमें चीनी डाल दी थी। तो इस तरह से ये मटर पनीर बनके तैयार हो गया है। इसको थोड़ा सा बॉईल और करूँगी, उसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो इस तरह से मैंने मटर पनीर की सब्जी बना ली थी। और इतनी तेज़ तूफान आया था कि मैं तो थोड़ी देर के लिए डर ही गई थी। तो बस यहाँ पे ये सब्जी बन गई, इसलिए मैंने आपको पूरा नहीं दिखा पाया था क्योंकि मैं तूफान में कपड़े अपड़े उठाने के लिए चली गई थी बाहर। तो गाइस सब्जी बन चुकी है और मैं यहाँ पे रोटियां बना रही हूँ गरम। और बाहर जो इतने जोर से आवाज आ रही है, मुझे लगता है बारिश भी आ गई है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं ये तूफान कब थमेगा, डर लगने लगा है इस तूफान से और इस जिंदगी से, क्योंकि हर दिन मतलब कुछ ना कुछ सुनाई में आता है। तो मतलब उदासी सी छाई हुई है कहीं ना कहीं। और कितना भी खुश होने की हम कोशिश कर लें, कुछ भी अच्छा बना के खा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं वो उदासी तो है, कुछ नहीं कह सकते हैं। पता नहीं ये तूफान क्या करेगा, मुझे तो ये समझ में नहीं थी, कोई भी मौसम ही नहीं है ऐसा, फिर भी ये तूफान क्यों नहीं थम रहा है। ये देखो आपको आवाज आ रही होगी ना, खिड़कियां जो ऊपर खुली होगी किसी फ्लैट की उसकी आवाज आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है दिमाग खराब हो रहा है बहुत ज्यादा। इतनी तेज तूफान आया, सारे कपड़े मैंने धुले थे, सारे इतनी धूल उड़ के आई एकदम से बहुत तेज वाली, और बारिश भी आ गई है बाहर अभी और अंदर गर्मी हो रही है। पता नहीं क्या करेगा ये तूफान आगे। और अभी बज रहे हैं 8 या 7:30 ही बज रहे हैं, अभी महाभारत शुरू हुई है अभी, तो 7 बज रहे हैं इसका मतलब। तो आज हम लोग जल्दी खाना खा रहे हैं क्योंकि लाइट वाइट का भी इस टाइम पे भरोसा नहीं रहता है, बाई चांस लाइट चली गई तो और दिक्कत हो जाएगी, इसलिए खाना वाना से निपट जाओ तो सही रहता है क्योंकि ऐसे तूफान में कुछ कहा नहीं जा सकता ना, बहुत तेज वाला है।
अभी अच्छा मौसम था, मैं बालकनी साफ करके आई थी, कोई दिक्कत नहीं थी, और थोड़ी देर में पता नहीं कहाँ से ऐसे आया एकदम से। बाहर अच्छी ठंडक हो गई है, मैंने खाना खा लिया और ये थोड़ा सा मैंगो शेक बचा हुआ है तो इसे मैं पी रही हूँ। मीठी खाने के बाद मीठा बहुत अच्छा लगता है ना, तो जो है वो तूफान थम चुका है, बारिश बंद हो गई है, बस हवा चल रही है ठंडी सी। अब पूरा बादल ना येलो कलर का है, पता नहीं आवाज़ को क्या हो रहा है। तो मटर पनीर ना थोड़ा सा तीखा हो गया था, मुझे तो तीखा लग रहा था, इनको ठीक लगा क्योंकि जो उसमें मैंने हरी मिर्च डाली थी ना वो थोड़ी सी तीखी थी। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ, और आई होप आप सभी को पसंद आया होगा छोटा सा ब्लॉग, और पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और शौरांजलि की रसोई को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब। आज मन ना उदास सा है सच में, अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं हम ये खाना वाना थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खुश हो जाते हैं, मन लग जाता है, लेकिन जो अंदर से फील होता है ना, फील आता है वो अच्छा वाला नहीं आ रहा है। और अच्छी हवा चल रही है अभी बाहर, ये देखो। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।